Raj. So I wanted to know how true is Dobara to the source material, or have you made it completely your own? No, I can't make a film if I don't make it my own. And So, another, yeah. I can't. But in the sense, yes, the essence of the story is obviously taken from there. But like Sunil said, that we started from the script. The film had not yet come out. So the whole adaptation and everything came from the script, and then we also had to keep in mind that who we are speaking to as an ऑडियंस. एंड हम लोग ने अपना काम किया, हमने कभी फिल्म को रेफर ही नहीं किया. सो ओरिजिनल फिल्म को रेफर ही नहीं किया, विच इज़ वाई प्रॉब्ली ऑल्सो वाई इट इज़ सो डिफरेंट, इज वाई एवरीबडी एल्स इज ऑल्सो रिएक्टिंग टू इट लाइक दैट. And I have another बट आई question. नेवर वॉन्टेड टू डू अ रीमेक इन माई लाइफ. तापसी हैड रीच्ड आउट टू मी से ये स्क्रिप्ट पढ़ो, आप फाइंड मी अ डायरेक्टर फॉर दिस. सो आई डिड नॉट रीड द स्क्रिप्ट, आई ट्राइड फाइंडिंग अ डायरेक्टर. एंड बाय व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट आई वाज लाइक यार तू इधर उधर क्यों ढूंढ रही, मैं खुद ही करता हूँ. अनुराग सर, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड. या सूर्या फ्रॉम बॉलीवुड क्रेजीज. या माय क्वेश्चन इज दैट मनमर्जिया, छोड़ और ये फिल्म दोबारा, काफी वक्त ले रहे हैं आपको डायरेक्ट करने में. हम सब आपकी फिल्में देखना चाहते हैं हर साल एटलीस्ट. व्हाई दिस इज सो लेट, एंड है ना वो भी थिएटर्स में, तो मेरे ख्याल 4 साल बाद. फिल्में तो बना रहा हूँ मैं लगातार, और पहले दोबारा को रिलीज होने दो. बिकॉज ये तो थिएटर काफी समय से बंद थे, और माहौल थोड़ा सा अभी सबके लिए बहुत कंफ्यूजिंग सा है. मतलब जैसे इन्होंने बोला साउथ की फिल्में चल रही हैं, एक तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है जहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है. एवरीबडी इज रिस्किंग रिलीज. इट्स लाइक सच अमेजिंग थिंग, एवरीबडी इज रिस्किंग रिलीज. इट्स लाइक हमारी फिल्म का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज आर फिल्म इज ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पे है आफ्टर फ्यू मंथ्स, बट ऑलरेडी आने वाली है. बट द थिंग इज, उसके बावजूद हर डिसाइडिंग दैट ये फिल्म मैं थिएटर में रिलीज करूँगी वॉज वेरी हार्टनिंग एंड वेरी एम्पावरिंग. बिकॉज जितना ये जिद्दी है तो सबको पता है, और इसने जब डिसाइड करके मेरे को बोला तो बता, हाँ मतलब वो इमोशनली आप देख के रिएक्ट करते हो, ऐसा बोल दिया होगा. बट शी जस्ट डिड नॉट लेट ऑन, शी सेज यू बिलीव मी एंड यू हैव टू बी देयर विद मी एंड वील डू इट एंड वील पुट एवरीथिंग आउट देयर, एंड शी हैज स्टूड बाई इट. एंड फॉर मी, एंड देन द अनदर सरप्राइज केम इन, इट वॉज नॉट ओरिजिनली सेंड फॉर फेस्टिवल्स एट ऑल. आई वॉज पासिंग थ्रू, आई वॉज ऑन माई वे टू द US, आई वॉज पासिंग थ्रू, एंड द फाइनल कट ऑफ द फिल्म साक्षी वॉज सिटिंग देयर, हु इज द सेकंड यूनिट डायरेक्टर एज वेल, हु इज लाइक लिटरली माई कोलेबरेटर इन एवरीथिंग. उसने मेरे को वो फाइनल जो है हमारे लैपटॉप पे लोड किया कि आप चेक कर रहे ना फ्लाइट में कि सब ठीक है कि नहीं है. और आई हैड अ लॉन्ग ले ओवर इन लंडन, एंड एट दैट टाइम द फेस्टिवल द 2 डेज लेफ्ट फॉर द बिफोर द फेस्टिवल एप्लीकेशन डेट वॉज टू बी लॉक्ड. आई वॉज देयर इन लंडन एंड आई वॉज हैंगिंग अराउंड विद पीपल एट BFI, एंड दे वर लाइक यार तुम्हारी कोई फिल्म नहीं देखी बहुत टाइम से, वी हैव नॉट सीन योर फिल्म, यू हैव एनीथिंग? आई सेड आई हैव जस्ट गॉट द फाइनल कॉपी ऑफ माय न्यू फिल्म, बट इट्स अ रीमेक बिकॉज आई नो फेस्टिवल्स डू नॉट टेक रीमेक्स. तो मैंने पहले बोल दिया रीमेक, सो अभी जब ओरिजिनल फिल्म जब आएगी तब मैं दिखाऊंगा. कैन वी सी इट? आई सेड मेरे सामने बैठ के देख सकते हो तो देख लो, बिकॉज यू नो इट्स अनरिलीज फिल्म. सो आई सैट देयर व्हाइल दे सॉ द फिल्म एंड सडनली देयर वाज दिस रिस्पॉन्स एंड इट जस्ट वेंट एक्सप्लोडिंग आफ्टर दैट. एंड फ्रॉम ऑल साइड्स व्हेन इट स्टार्ट्स एक्सप्लोडिंग यू आर लाइक हमें शायद नहीं दिखता है, क्योंकि हमें अपना बच्चा नॉर्मल कुछ को कुछ दिखा होगा. एंड देन इट्स एवरी वन स्टार्टेड पिकिंग इट अप. एक जगह गई तो दूसरे ने बोला, दूसरे ने बोला तो तीसरे ने बोला, फिर सबने देखना चालू किया, एवरीबडी स्टार्टेड पिकिंग इट अप. एंड आई वाज लाइक आई हैव नेवर सीन इट हैपन विद द रीमेक. सो दैट्स व्हाट आल्सो व्हाट गिव्स मी अ बिग कॉन्फिडेंस. रीमेक्स डोंट गेट पिक्ड अप लाइक दैट.